सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ चौपाई तब प्रभ चले संग ले ताई पहुंचे नगर तो लंबे माई रहे तहां एक सज्जन बंचक भीख बैसनो दया नारंचक। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा उमिया तेरी कवन बड़ाई जो तू देहे सो कहा स्वामी। मैं मूर्ख कहण न जाई तेरे गुण गावा देहे बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई। दसां पातशाहियां दी आत्मक जाग दी जोत जहरां जहूर हाजरां हजूर सर्व कला भरपूर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा। वड्या भागां वाले हो के नेता प्रति जगत गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के नतमस्तक हो के जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी दी जन्म साखी बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा भावना सहित आप जी सरवण कर रहे हो। गरीब नवाज पातशाह खुरमे नगर तो वापस राय भोए की तलवंडी आए हैं। पहला बटाले चरण पाए ने सिद्धा नाल गोष्ट हुई है। राय भोए की तलवंडी आ के भाई मरदाने दे सपुत्र भाई सजादे नू नाल लिया है और पातशाह भाई सजादे नू नाल लैके कुरम दरिया के किनारे ते जिथे भाई मरदाना जी ने अपना शरीर त्यागया है उस जगह ते लैके जा रहे हैं। रस्ते विच मुल्तान जिले च एक नगर है तुलंबा। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी तुलंबे नगर पहुंचे हैं। इथे सज्जन ठग दा सतगुरु जी पार उतारा कर रहे ने। आओ मन बिरतियां एकागर करिए गुरु पातशाह दे पावन चरण कमलां दा ध्यान अपने हिरदियां च तारदियां रसना नूं पवित्र करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। चौपाई तब प्रभ चले संग ले ताई। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी भाई सजादे नूं जो भाई मरदाना जी दे सपुत्र हन उन्हां नूं नाल लैके और भाई बाला जी नूं नाल लैके राय भोए दी तलवंडी तों चले हन। पहुंचे नगर तो लंबे माई मुल्तान दे पास नगर तो लंबा है तो लंबे नगर सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी पहुंचे हन। रहे तहां एक सज्जन बंचक इथे एक भाई सज्जन नाम दा व्यक्ति रहिंदा है जेदा नाम सज्जन है पर उहदे काम ने ठगियां करनियां इस करके जन्म साखी विच इहदा नाम सज्जन ठग आया है। हालांकि जदों सतगुरां ने इहनूं किरतार्थ कीता मुल्तान दे इलाके दा इहनूं प्रचारक लाया सतगुरां ने सतगुरां दी सिक्खी दा बाद विच इहने बहुत प्रचार कीता पर इतिहास विच इहदा नाम सज्जन ठग करके ही रहा। तो सज्जन नाम दा एक ठग इस तुलंबे नगर विच रहिंदा है। भीख बैसनो दया नरंचक इहदा जिहड़ा भेस है ओ वैष्णव मत दा वैष्णव मत है हिंदुस्तान दा जिहड़े जीव हिंसा तो रहत हो के रहिंदे हन और अपने आप नूं वैष्णव कहाउंदे है
उस मत दा जेड़ा भेख सी उह सज्जण ने शरीर ते धारण कीता होया बाहरों, पर हिरदे च दया कोई नहीं सी। बाहरों वैष्णव मत, हालांकि वैष्णव तां उह हुंदा जिहदे अंदर दया होवे। पातशाह ने तां वैष्णव दी परिभाषा इदां दित्ती है, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्नो। वैष्णव है जिहड़ा परमात्मा दी माया तो निर्लेप होके रहिंदा। महाराज जी ने उहनू वैष्णव लिखिया। हुण इहने वैष्णव मत दा भेख जरूर धारण कीता होया, पर इहदे हिरदे विच दया नहीं है, करुणा नहीं है, ए दया तो विहूणा है। बहु मोली तन चीर हंडाई, बड़े बड़े वधिया कीमती कपड़े कीमती वस्त्र अपने शरीर ते सज्जन ठग हडाउंदा है। पुर टिग बैठ गए जग साई, जेड़े नगर विच रहिंदा उसे नगर तुलंबे दे नेड़े जाके महाराज गुरु नानक साहब जी सज गए, जाके गरीब नवाज पातशाह जी ने आसन ला लिया। सहजादा ले आयसपुर में, भाई सजादे ने सतगुरां दी आग्या लई, पातशाह कोलो आग्या लैके ओ तुलंबे नगर दे विच गए। गमनियो लागी छुदा उदर में, भाई सजादे नू कड़ाका लगा सी, भुख लगी हुई सी, ते नगर दे विच अपने प्रसादे पानी दा प्रबंध करन वास्ते भाई सजादा जी चल के गए। जाई तहां धर्मशाला देखी, भाई साहब ने की वेख्या कि एक बड़ा सोहना धर्म स्थान बनिया होया, एक पासे मसीत बनी हुई है, एक पासे द्योरा बनिया होया। सज्जन ने एक पासे मंदिर बनाया होया सी, एक पासे मसीत बनाई हुई सी। कहिंदा जी मैं तां सारयां नूं सांझा अपनी दृष्टि नाल वेखदा, मुसलमान आवे वह भी आके रह सकदा, कोई हिंदू आवे वह भी आके रह सकदा। इदां दी बिरती धारण करके ने एक धर्म स्थल बनाया होया सी। भाई सजादा जी ने वेख्या कि धर्म स्थान है, उस जगह ते भाई साहब चले गए। सज्जन जिसमें अगी विशेखी, इस धर्म स्थान दे उत्ते सज्जन पापी बैठा है, जो पाप कर्मा विच प्रवृत्त है, ठगी करन दे विच जेदी हर वेले रुचि बनी रहिंदी है, ओ इस धर्म स्थान दे उत्ते बैठा होया। नीकी बिद सो कीन दुआई, भाई सजादा जी जदों गए ते उन्हां ने जा करके प्रसादे दी मांग कीती। सहजादा बैठियो टिग जाई, और भाई सजादा जी सज्जन दे नेड़े जा के बैठ गए। सादर सो सज्जन बच कैई, हुण सज्जन मुंह दा बड़ा मिठा सी, बाहरों लिबास धर्मिया अंदर दी बिरती खोटी सी। बाहरों लिबास धर्मिया जुबान तो बोल भी बड़े बड़े मिठे बोलदा, ते बाहरों जिवें बगला हुंदा ना चिट्टे रंग दा सफेद, अगे शब्द पातशाह उचारणगे उहदे च बचन आउणगे। अंदरों ठगी दी बिरती सी, बड़ा मिठा मिठा बोलिया भाई सजादे नूं कहण लगा। आवो भाई कहते रही, कहिंदे आ भाई जी आया नू, जी आया नू, किथे रहिंदा हुन्ना है, एदा पुछया इन्ने सज्जन ठग ने भाई सजादे नू। हां भाई आ जा बह जा, किथों आया किथे रहिंदा है, वो है तेरो वर्ण बतावो, दस केड़ा वर्ण है तेरा, तू केड़े वर्ण नाल संबंध रखदा है, कित ते आयो कित को जावो, आया किधरों है ते अगे किधर जा रहे है। जात मेरा सी जानो मेरी, भाई सजादे ने अगों दसिया, कहन लगा संत जी भी मेरी जात है मिराशी, मैं मराशियां दी कुल नाल संबंध रखदा हां, सदन हमारे दूर कनेरी, और मेरा घर इथों दूर है, राय भोए दी तलवंडी दा मैं रहण वाला हां, जाओ अगारी कारज कोई, मैं अगे चलिया मेरा कोई कारज है, अगे जा रहा ते मेरा कोई कारज है, तुम टिग आयो छुदा जे होई, तेरे कोल तां आया कि मैनू भुख लगी है भी तू मेरे प्रसादे दा प्रबंध करे। भाई सजादे ने इदां दस्या, कहिंदा तेरे कोल तां आया कि तू मेरे प्रसादे दा प्रबंध करे, मैं अगे दूर जाना है। सज्जन कई
आहार कनीरा। सज्जन अगो बोलिया कहंदा जी जिन्ना मर्जी प्रशादा इथे केड़ा कोई कमी है। अगो बड़ा मिठा मिठा बोलदा कहंदा महाराज इथे तां भंडारे भरे पए ने प्रशादे दे अन्न पानी दे जिन्ना मर्जी छको महाराज जरूर छकावांगे। ओ जजमान वडाऊ तेरा। ए दस भी तू मराशी है ते तेरा कोई जजमान भी होवेगा वड्डा वडेरा जेदा तू मराशी है। कोई वड्डा जजमान होना तेरा जेदे कोल तू मराशी बन के सेवा करदा है। जां को आए मिरासी ऐसे हो। जेदा तू मराशी सदौना है तेरा वो जजमान ता बड़ा वड्डा होना। सज्जन भेत लै रहा भी किसे राजे दा किसे शाहूकार दा मराशी होवेगा हो सकदा वह भी नाल आया होवे ओनू भी काबू करांगे धन संपदा ओदे कोल होवेगी खोवांगे ठगांगे। इस बिरती नाल पुछदा सज्जन ठग कहंदा तू जेदा मराशी है तेरा जेड़ा जजमान है ओ ता बड़ा वड्डा पुरख होवेगा। मुझते वड्डा के लगू कौ तैसो। मैं जिड्डा क वड्डा एडा क है कि मेरे तो वड्डा है जां मेरे तो छोटा है। सज्जन ठग पुछदा कहंदा तू वेख मेरा ताम झाम आले दुआले मेरे क जिड्डा हैगा तेरा जजमान जां फिर मेरे तो छोटा है। सहजादे सुन बचन बखाना। जदों सज्जन ठग ने इउं पुछया भाई सजादा जी अगो बोले कहण लगे हम तुम ते मम प्रभु महाना। कहण लगे सज्जन तू की है ते मैं की हां उन्हां दे सामने साडे वर्गे तां उन्हां दे सामने तुच्छ जे जीव ने ओ तां बड़े वड्डे प्रभु स्वामी जगत दे मालक ने तेरे मेरे वर्गे की ने असी उन्हां दे सामने की मायना रखदे हां। जो जाचे पूरे तें कामा। ओ एडे वड्डे प्रभु ने के उन्हां कोलों जो मंगीए ओ कामना पूरी कर दिंदे ने जो मंगीए ओ कामना पूरी कर दिंदे ने एडे वड्डे दयालु हन। छतरी कुल श्री नानक नामा। उन्हां दा छतरी वर्ण है और उन्हां दा नाम धन गुरु नानक देव साहिब जी है उन्हां दा छतरी वर्ण है। सज्जन अपने नरसों कैई। सज्जन ठग ने उहदे नौकर चाकर उत्थे ही सी सज्जन ठग दे अपने एक नौकर नूं सद के सेवक नूं कहण लगा पड प्रभ को सो मिरासी ऐही। उहनूं अख नाल इशारा जिहा करके कहिंदा बड़ा वड्डा प्रभु है इहदा जिहदा इह मिराशी है। ओनू ए नहीं सी पता सज्जन नूं भी इह किस प्रकार नाल वड्डा कह रहा। सज्जन समझ रहा भी बड़ा तनाड़ शाहूकार होवेगा वड्डा पर भाई सजादा जी दस रहे ने भी ओह त्रिलोकी नाथ प्रभु ने ओह कुछ होर समझ रहा। सज्जन ठग अपने नौकर नूं कहिंदा बड़े वड्डे प्रभु दा मराशी आ इहदा चंगी तरह ख्याल रखी अंदर लिजा के वेखी किते कोई शिकायत दा मौका ना मिले। सेवा की जय अधिक बनाई। जाके चंगी तरह सेवा करी जिवें आपां पहला करदे हुंदे आ वड्डे बंदिआं दी सेवा। सज्जन ठग कहिंदा उस तरीके नाल सेवा करी इहदे अंदर लिजा के जिवें आपां पहला करदे हुंदे आ जिवें वड्डे बंदे पहला आउंदे आपणे कोल उहनां दी सेवा करदिआं उदां ही इहदी सेवा करी। जिस प्रकार इह उर हर खाई। और इह खुश हो जाए साडे ते ऐन प्रसन्न हो जाए साडे ते जदों इहदी सेवा करिए। तै चिन इक नर आयो बुलावन। उसे वक्त एक सेवक जेड़ा सी वह आ गया। चलो मिरासी भोजन खावन। भाई सजादे नूं कहिंदा आजो भाई साहब अंदर चलिए पिछे प्रशादे दा प्रबंध कीता होया तुहाडे लई थाल सजा दिता है ते चल के आप जी भोजन ग्रहण करो। अंतर सदन ताएं ले गए। भाई सजादे नूं पिछले पासे इन्हां ने कमरा बनाया होया सी जिथे माड़ी नीति नाल ठगियां ठोरियां करदे सन उथे भाई सजादे नूं पिछले पासे लै गए। त्रै मानव तैं इक ठां पए। होर उथे तीन बंदे पहला ही मौजूद सन तीन जने पहला ही हाजिर सन। दोहरा गह सह जा दे के तबै
मुश्कें लई चढ़ाए। तीन बंदे पहला ही अंदर बैठे, उन्हां तिना ने भाई सजादे नूं आउंदिया ही पहला पकड़ लिया, बाहवां फड़ के पिछे मुश्कां बन्न लिया, रस्सी दे नाल पिछले पासे बाहवां बन्न लिया। बो मोले तन चीर जे सब खसोट दुख दाए। पहला उन्हां ने यह कीता भी बाहवां बन्निया, फिर भाई सजादे ने बड़े वधिया ते कीमती कपड़े पाए हुए सी शरीर ते, ओ कपड़े लाए इन्हां ने भाई सजादे दे तन तो। जो पाई बौरों दे सास ना कहीं। कपड़े लाए ते नाले फिर ताड़ना कर दे भाई सजादे नू, गुस्से विच आ के ताड़ना करके कहंदे दस होर की आ तेरे कोल, किथे रखिया बाकी दा खजाना तेरा किथे है। एदा ताड़ना करके भाई सजादे नू ताड़दे हन। तुम टिग और वस्त जो ऐही। कहंदे दस तेरियां होर वस्तुआं किथे ने, जेड़ियां तेरियां होर वस्तुआं हन। सो अब दीजे सर्ब बताए। ओ सारियां वस्तुआं दस दे तू बाहर किथे रख के आया, किथे टिकाणा तेरा, ओ सारियां सानू दस दे ता तेरी जान बख्शांगे। ना तुर तुझ मारे ए थाई। नहीं ता असी तेरे प्राण कढ के तेनू मौत दे घाट उतार देवांगे इसे जगह ते। पीड़ पई सहजादे जबई। भाई सजादे नू एकदम ए समस्या बन गई, कदे वेख्या ही नहीं सी एदां दा माहौल, कदे एदां दी समस्या दा सामना ही नहीं सी कीता। एकदम भाई सजादा जी हक्के बक्के रह गए भी ए की भाणा वरत गया मेरे नाल, पीड़ा व्यापदी है तन ते। श्री नानक चित कीने तबई। भाई सजादे ने सतगुरु गुरु नानक साहब नूं चेते कीता, हे जगत दे स्वामी त्रिलोकी नाथ प्रभु जी, कृपा करके मेरी बौड़ी करो। भले तपा जी मोको भेजा। नाले आख्या हे गुरु नानक साहब, तपा जी तुसी चंगा मैनू भेजिया प्रशादा छकन वास्ते, आख्या भी जा भोजन छकया, चंगा मैनू प्रशादा छकन भेजिया है। बहुत बड़ो दुख फटत करे जा। महाराज जी इथे ता वड्डे दुख च फस गया, दर्द नाल मेरा कलेजा फटदा जा रहा है। भूले और दे वैष्णो देखा। महाराज मैं ता भूल गया इस वैष्णो साध नू वेख के भी वैष्णो साध बैठा है, ये जेड़े वैष्णव साध हुंदे आ दयालु हुंदे आ, मैं ता महाराज जी वेख के भरम गया। खालसा जी संगत जी सच यही है, असी भी बाहरला स्वरूप वेख के ही भरमदे हां, बाहरों सानू कोई चंगा स्वरूप दिस पए, बाहर दा ताम झाम दिस पए, आपां कहने बड़े बड़े महापुरश हन। खालसा जी बाहरले भेख नाल संबंध नहीं हुंदा संतगिरी दा, हां धार्मिक लिबास होवे पर धार्मिक लिबास दे पिछे की है ओ दृष्टि भी साडी होनी चाहीदी है परखण वाली। कहण लगा भाई सजादा बेनती करदा महाराज, मैं भेखी समझ के बाहरला स्वरूप वैष्णव दा, मैं भरम दे विच आ के उहदे ते विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया। मैं जानते अगी बिशेखा। महाराज जी मैं नहीं सी जानदा कि इस भेख दे पिछे एडा वड्डा पापी ते दुराचारी छपिया होया, मैं ता इस तरह भरम गया भी एक पासे मसीत बनाई है, एक पासे मंदिर देवरा बनाया भी इहदे वर्गा तां धर्मी बंदा ही नहीं होना। पर महाराज मैनू की पता सी कि इस धर्मी भेख दे पिछे एडा वड्डा पापी ते दुराचारी बंदा छपिया होया है। सहजादे की सब बिद जानी। हे अंतरयामी स्वामी कृपा करो मैनू बचाओ। जदों भाई सजादे ने इस तरह बेनती कीती, जानी जान अंतरयामी धन गुरु नानक साहब जी जानदे सन, पातशाह ने सज्जन दा पार उतारा जो करना सी, आप ये सारी लीला महाराज गुरु नानक साहब ने रची हुई है, जानी जान जान गए। पूरन गमन कीन गुण खानी। गुणा दे खान सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज बड़ी छेती नाल चल के सज्जन दी धर्मशाला च पहुंचे। वैसे ओ जा वैष्णो बन के। जिथे सज्जन ठग वैष्णव दे भेख दे विच
ਭੇਖੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦੁਆਦਿਸ਼ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਗਨ ਕੈ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 12 ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ 12 ਤਿਲਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਜਾਏ ਨਿਕਟ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਰਾਈ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਭੂਖਣ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਅਲਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਹਮਰੇ ਏਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰਾਸ਼ੀ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਆਇਓ ਤੁਮਰੇ ਪਾਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟਕੇ ਪੁਨ ਹਮ ਪਾਸ ਨ ਗਏਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੈ ਕੋ ਕਿਆ ਪਏਓ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਕਹੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਅੱਗੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜੇ ਆਵਤ ਹਮ ਟਿਗਵੈ ਸੋਈ ਜੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਘਰ ਆਇਓ ਤੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰ ਨਾ ਕਹੋ ਇਆਂ ਸੋ ਹੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪੁਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਮ ਭਿਖੀਅਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਝੂਠ ਨਾ ਤੁਮ ਸੋ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਲਿਓ ਨਿਆਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਗੁਰ ਮੁਝ ਸੋ ਕਹਿ ਜਾਵੋ ਬਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਰੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੋ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਅੰਤਰ ਤੇ ਸਹਿਜਾਦਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਜੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਾਲਖ ਯਾਂ ਕੇ ਬਦਨ ਲਗਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਚੀਏ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬੰਧਨ ਯੁਕਤ ਬਿਲੋਕਤ ਪਇਓ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਕਰਿਓ ਸੋ ਲੀਨ ਉਠਾਈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸਹਿਜਾਦੇ ਤਬ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਥਾਨ ਭੇਜਿਓ ਮੁਝ ਨਾਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਛਕਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਚੀਰ ਉਤਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀ ਛਕਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪਟ ਅਬ ਦਿਓ ਦਿਵਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ
महाराज मेरे बस्तर मेरे कपड़े ना तो वापस करवाओ। बड़े दुष्ट पापी दुख दाए, महाराज ये तो बड़े दुष्ट ने बड़े पापी ने बड़ा दुख देन वाले दुख देंदे हन। मनुज कहे एहो ऐसे आयो। हुण उत्थे जिहड़े सज्जण दे साथी सी नाल दे ओ कहण लगे जी नहीं साडे कोल आया ही एदां सी, झूठ बोलदा, असां तां नहीं कपड़े लाए इहदे, ए तां इदां ही आया सी साडे कोल। मैं तकूल को पट लियायो, इहदे कोल नहीं सी कोई कपड़ा टाकी, ए भुखा नंगा इदां ही आया सी साडे कोल। तब मैं नगन लीन निज साथा, भाई बाला जी ने उस वेले भाई सजादे नूं उसे तरह ही कपड़िया तो बिना ही बाहर लियांदा। आयो जै ठांडे जगनाथा, जिथे जगत दे नाथ त्रिलोकी नाथ गुरु नानक साहब खड़े सन। दोहरा गुरु बुझियो क्यों नगन पा, किने उतारे चीर। सतगुरु जी पुछदे भाई सजादे नू, सजादिया आ कपड़े किथे आ, तेरे चंगा भला आया सी तू, कपड़े सन तेरे तन ते, किथे ने वो कपड़े केने ला ले हन। सुन कैसे ज्यादा कहत, सुनो हरन पर पीर। सुन के भाई सजादे ने हाथ जोड़े ते आख्या महाराज हे पीड़ा हरन वाले स्वामी कृपा करके मेरी बेनती सुनो। जो पई ए तो पलो वैष्णो बैसा, राजा वेखो वेखण नू सज्जण इहदा नां आ पर ठग है। भाई सजादा जी कहंदे महाराजा वेखो किड्डा वैष्णव नजर आउंदा, किवें तिलक लाए ने बगले वांगू चिट्टा उजल, अपने आप नू साधु बन के बैठा, वैष्णव बन के बैठा, महाराज ये बड़ा वड्डा ठग है। पंचक अगी न को इस जैसा, महाराज मैं बंदे बड़े वेखे संसार च पर इहदे वर्गा ठग, इहदे वर्गा पापी मलेछ मैं नहीं किते वेख्या। मोको अंतर लेकर तामा, महाराज मैं पहला इहदे कोल आके बैठा, मेरे कोल थोड़ी बहुती इहने जानकारी लई, मुड़ के मैनू अंदर लै गए। मुश्कां बांध लीन संग दामा, महाराज रस्सी नाल मेरियां बाहवां बन लिया सी पिछे करके दे बंदियां ने। तीर उतार शासना दीनी, महाराज मेरे कपड़े ला लए और मैनू इन्हां ने मारिया कुटिया भी है। ऐसो तीबर पाप मत पीनी, महाराज एहो जे पापा विच इन्हां दी मत गलत हो रही है। ज्यों ज्यों कहत बचन टिग सोए, जिवें जिवें भाई सजादा जी सतगुरां नू दसदे हन त्यों त्यों सज्जन लज्जित होए, सज्जन तिवें तिवें शर्मिंदा हुंदा जा रहा क्योंकि पता है मेरा पाप उगड़ के सामने आ गया। जिवें जिवें भाई सजादा जी बोल के दसदे ने तिवें तिवें कोल बैठा शर्मिंदा हो रहा है। नीच गरीब जै बोल न आवे, इन्हें सिर नीवा जा कर लिया ते मुंह तो बोलदा नहीं। कैसो दुरे न मिसको पावे, ते ना हुण कोई जगह लभदी है भी जिथे लुक जाए, किथे छुपे किथे हुण, हुण ना कोई बहाना सुझदा भी बहाना की लावा। लज्जित होयो देख माना, बहुत ज्यादा लज्जत बहुत ज्यादा शर्मसार ते शर्मिंदा होया सज्जन ठग। तैचिन श्री गुर शब्द बकाना, गुरु नानक साहब ने वेख्या भी जेड़ा बंदा शर्मिंदा हो रहा ना एदा मतलब कुछ क ना कुछ अंदर हाले कणी बाकी है धर्म दी, भी जेड़ा शर्मिंदा हो रहा। अक्सर पाप करन वाला पापी मनुख पाप करके फड़िया भी जावे ते शर्मिंदा नहीं हुंदा, पर ए बंदा शर्मिंदा हो रहा एदा मतलब कुछ ना कुछ चंगे कर्म पिछले जन्म दे हैन जेदे करके एदी कल्याण हो सकदी है। पातशाह ने जदों वेख्या के शर्मिंदा हो रहा तो गरीब नवाज साहब ने पावन शब्द अपने मुखार बिंद चो उच्चारण किया। आज अमृत वेले ए पावन श्री मुखवाक सचखंड श्री हरिमंदर साहिब धन गुरु रामदास साहब जी के दरबार चो भी प्राप्त होया है। आज अमृत वेले महाराज जी ने प्रकाश समय गुरु रामदास साहब के पावन दरबार विच तख्तां ते प्रकाशमान हुंदिया गुरु ग्रंथ साहब जी ने अज का यह पावन हुक्मनामा सानू बख्शे। आ पिछली 12 तरीक नूं गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे कथा की हाजरी सी श्री अमृतसर साहब, उस दिन भी पातशाह ने यही हुक्मनामा अमृत वेले बख्शिया सी, कथा की सेवा इस पावन शब्द की निभा के आए सां।
अज पावन शब्द लड़ीवार कथा विच आ रहा है। सरवण करिए सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सज्जन ठग का निस्तारा कर रहे ने। कल्ले सज्जन का उधार नहीं पे करते, परथाए सज्जन नूं कह रहे ने, पर है संसार दे समस्त प्राणियों वास्ते सांझा उपदेश। क्योंकि खालसा जी उदो एक सज्जन अज घर घर दे विच सज्जन हैन। खालसा जी बारू असी भी धर्मी लिबास बना लैने हां, पर धर्म की कणी हिरदे च है कि नहीं, वह सानू अपने अंदर स्वै अध्याय करके वेखना पवेगा, स्वै पड़चोल करनी पवेगी अपने अंदर छाती मार के, कि असी भी विखावे दे पखंड च तां नहीं उलझे हुए, कि बाहरों कुछ विखावा होर होवे और अंदरों साडियां बिरतियां कुछ होर होवन, ते जे हैन ते ए पावन शब्द साडे सारिया वास्ते है, कला सज्जन ठग वास्ते नहीं है। सरवण करिए धन गुरु नानक साहब दे पाक हिरदे विच ए पावन अमृत बचन तुर दरगाह तो निरंकार दे घरों उतरे हन, पातशाह उचारण कर रहे हन। सुई महला पहला कर छीवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुही राग है पहले पातशाह धन गुरु नानक देव साहब जी का उचारण किया गया पावन पवित्र श्री मुख वाक शब्द है। घर छेवां छेवें घर सुर ताल विच शब्द नूं गायन करन दा हुक्म है। मंगलाचरण करदे ने अकाल पुरख एक अदुती है ओंकार जो सारिआं विच व्यापक और सर्व दा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद सत दा उपदेश देण वाले गुरु दी किरपा द्वारा उस निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर दे स्वरूप दी प्राप्ति हुंदी है। उज्जल के आ चिलकणा कोटम कालड़ी मस। उज्जल कहां चिलकणा कह दा भांडा हुंदा ना, कह दा भांडा वेखण नूं बड़ा उज्जवल चिट्टा चमकदार ते चिलकणा जिहा हुंदा, चमकदा है, पर जदों नूं मलोगे कोटम मलोगे उहनूं, मलन तो बाद जिवें जिवें उहनूं मांजोगे उहदे विच्चों काली स्याही निकलदी है। कोटम कालड़ी मस काले रंग की मस, मस कहिंदे ने स्याही नूं, काले रंग की स्याही जिहड़ी आ उहदे विच्चों निकलदी है। हां जी तोतियां जूठ ना उतरै जे सो धोवा तिस। कहिंदे जे उहनूं सौ वेरी भी धोईए ते धो के उहदी जूठ नहीं जांदी। सतपुरश कहिंदे भी कहिं दा भांडा जिवें मिट्टी दा भांडा एक वेरी जूठा हो जाए ते सुच्चा नहीं हुंदा मुड़ के। इसे तरह कह दा जिहड़ा भांडा है यह भी मुड़ के सुचा नहीं हुंदा, यह जूठा ते मलीन ही रहिंदा, चाहे सौ वेरी भी धोवो उहदे विच्चों कालख निकली जानी है मुड़ मुड़ के, यह पवित्र नहीं हुंदा। पातशाह कहिंदे सज्जन तू उस कह दे भांडे वांगू बाहरों बड़ा उज्जल, बारह तिलक लाए चिट्टे रंग की पोशाक पाई धर्मी लिबास धारण किया, बड़ा चिलकना जिहा नजर आउंदा, पर अंदर तेरे विशिया विकारा ते ठगी दी बिरती दी कालख भरी हुई है। लोकां नूं तेरा बाहरला चिलकणापन नजर आ रहा है, तेरा उज्जवलपन नजर आ रहा है, पर सानू तेरे अंदर भरी हुई वो कालख नजर आ रही है। तू उस काली स्याही नाल यानी कि विकारा दी काली मस दे नाल तू भरिया होया, बाहरों इहो जिहा धर्मी लिबास धारण करके तां अंदरों धर्मी नहीं हो जाना। सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन। सज्जन सज्जन उही ने जदों इह संसार तों चलना ते नाल चलन, ओह ने तेरे कीते कर्म जो तैं कर रहा ना यही सज्जन बन के तेरे नाल चलने ने जेड़े चंगे ते भले कर्म हन। जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। जे तै पुन कर्म कीते होणगे चंगे कर्म कीते होणगे ओ नाल चलणगे, जदों लेखा मंगया जाएगा ना ते उदों कोल खलो के ओ पुन कर्म गवाही भरनगे भी इन्हें नेक कम कीते इहदा लेखा नबेड दिओ। जे कीते होणगे ते गवाही भरनगे ना, नाल खड़े नजर आउणगे ना, जे कीते ने तां है ना,
जे कीते ही नहीं सारी जिंदगी ता जिंदगी माड़े भैड़े कर्म करदे बतीत कर दिती है फिर लेखे तो मुक्ति नहीं जे मिलनी। जे पुन कर्म करेगा ता उही नाल खड़े दिसणगे जिथे लेखा मंगया जांदा है। रहाओ कोटे मंडप माड़िया पासो चित भी आह। पातशाह हुण दूजी उदाहरण दिंदे, पहला कह दे भांडे दी उदाहरण दिती, हुण महाराज जी कोठियां दी, कच्चे कोठे मंडप जिहड़े पक्के मकान हुंदे है, पक्के मकान होण सोहणे दो दो मंजलां वाले मड़ियां चुबारियां समेत मकान होण जिन्हां विच कई प्रकार दियां चित भी आह चित्रकारियां कीतियां होण। टठियां कम नयावनी विच्चों सखड़ियां। कहिंदे जे उह वधिया वधिया मकान कोठे मंडप माड़ियां जिन्हां च चित्रकारियां कीतियां होईयां जे उहनां दे विच कोई कदे साधु नहीं आया, कदे कोई नाम जपण वाली गुरमुख रूह दी उत्थे कदे कोई सेवा टहल नहीं होई, जे उह किसे सतपुरश दे काम नहीं आईयां, तां कहिंदे इहो जिहियां उह वधिया वधिया महल माड़ियां जिहड़ियां ने महाराज जी कहिंदे उह टठियां दे बराबर ने, किसे काम नहीं जे आउंदियां। जे उहनां च कदे साधु दी सेवा नहीं होई, कदे हरी दी पूजा नहीं होई, सोहणे घर भी क्यों ना होण, उह टठियां दे बराबर ही ने, मन लो खंडर ही ने, उह भावें बड़े सोहणे भी होण पर उह खंडरां दे बराबर ही ने। इसे तरह सज्जण बाहरों तू वेखण नूं बड़ा सोहणे मकाना वांगू वधिया जिहा नजर आउणा, जे अंदर शुभ गुण कोई नहीं, भले कर्म कोई नहीं, ते फिर तेरा शरीर भी टठियां दे बराबर मुरदियां दे बराबर ही है। ये मुरदियां दे मनेंदी है। जे किसे सतपुरश की सेवा विच काम नहीं आया, जे किसे साधु की अभ्यागत की सेवा विच नहीं लगा, ते फिर तेरा शरीर रूपी महल, तेरा शरीर रूपी मंडप भी ਟੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਗਲੇ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਖੁੰਭ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਉਜਵਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਗਲੇ ਦੇ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਖੰਭ ਆਦਿਕ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਨ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਵੇ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸ ਕੇ, ਬਗਲਾ ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਉਜਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ 12 ਤਿਲਕ ਤੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਵਸਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਬੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਗੇ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਹੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੇ ਸਿਮਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿੱਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿੱਕੇ ਤੇ ਬਕ ਬਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ
सज्जन तू सिंबल दे बूटे वांग उच्चा सुचा जा बाहरों नजर आना। धार्मिक लिबास है तेरा, चौथी उदाहरण दे रहे ने, तीन उदाहरण पिछे दे आए ने, कह दे भांडे दी, बगले दी, ते महल माड़िया दी, हुण चौथी उदाहरण दिंदे है सिंबल दे दरखत दी। कहिंदे सिंबल दे बूटे वांग उच्चा, मैं उहदे वर्गा तू उहदे मई समान सरीखा नजर आना। मैं जान मेरे वर्गे जन वेख के भुल के आ गए, यानी कि भाई सजादा आ गया भी धर्मी बंदा है, इहदे कोल बह के दो प्रशादे छकांगे छकाएगा ही। यह दो पाठ महापुरश कराउंदे है, मैजन पाठ कट्ठा भी है, जदों कट्ठा करांगे मैजन फिर अर्थ होवेगा तोता, भी तोते भुल के आ जांदे आ सिमल दे बूटे ते। मुख पाठ महापुरशां ने संप्रदावां विच टकसालां च कराया, मैं जान कि मेरे वर्गे जान वह वेख के भुल गए, वह आ गए तेरे कोल भी दो प्रशादे छकाएगा, पर अगों की मिले, अगों फल फिके सी, फुल बक बके सी, यानी कि कुछ भी हासिल नहीं होया, तेरा केवल लिबास ही धर्मी सी। सी फल कम नयावनी ती गुण में तन हन, बादशाह कह दे ओ फल किसे काम नहीं आए, तेरे शरीर दे बेचो सिमल दे बूटे वांगू ही औगण भरे होए हन। अंदली पारे उठाया डूगर वाट बहुत, बादशाह कह दे सज्जन एक ता अखा तो अन्ना, दूजा सिर ते पंड बड़ी वड्डी चुक लई, ते तीजा राह भी पहाड़ां दा, दस भी हुण किवें जाएगा। पहला अन्ना, दूजा पंड बड़ी वड्डी चुक ली सिर ते भार दी, तीजा डूगर रस्ता पहाड़ी राह, हुण उस पहाड़ी राह ते दस ओ सज्जणा किवें जाएगा। एक तां नेत्रां तों अन्ना अग्ञानता करके अन्ना, दूजा सिर दे उत्ते पापां दी पंड भारी करके चुकी जाना, ते तीजा जेड़ा राह है ना वह जम्मां दा पहाड़ी राह, बड़ा भयानक है। जह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, जह औखत गलियां भीड़ियां, बड़ा औखा राह, डूगर राह, पहाड़ी राह, दसो सजना उस राह ते किवें टुरेगा एड्डी वड्डी पंड चुक के। पापा दी पांड सिर ते धर ली है, किवें जाएगा किवें चलेगा, इना पापा तेनू टुरन नहीं देना। एक ता नेत्रा तो अन्ने नू ओदा टुरना औखा, अग्ञानता दे हनेरे च टकरा ता पहला ही मारी जाना, दूजा पाप कर करके लोकां नू ठग के उना दे गले वड के मार देना, ठगियां करके उना कोलो खो लेना, ए पापा दी पांड दा भार सिर ते चुकदा, बड़ा लम्मा पेंडा सजना जिस राह ते तैं जाना है। सुचेत हो जा, सावधान हो जा, जिस राह ते जाना है। अक्की लोड़ी नाला हों चढ़ लंगा किते, एक ते अखां कोई नहीं, अखां नहीं पियां लभदियां भी केड़ियां अखां धारण करां ते मैं इस पहाड़ तो लंघ के पार जावां। कहिंदे किवें जावा, एक तां अखां नहीं लभदियां, पुन कर्मा रूपी अखां नहीं हन, पुन कर्मा रूपी अखां नहीं हन, और ज्ञान रूपी पैर नहीं हन, किवें जाइए चल के, किवें लंघ के इस पहाड़ तो लंघिए, पार उतरीए संसार समुंदर रूपी पहाड़ तो। चाकरियां चंगियां अवर सियाण पकित, बंदा बड़िया चतराइया करदा, बड़िया चलाकियां करदा। महाराज जी कहंदे रब दे घर विच ना चक चंग उथे सियाणपा नहीं चलनिया, चतराइया नहीं चलनिया, उथे तां भाई चंगियाइया जड़िया चंगे कर्म कीते आ उह नाल निभणे हन, होर सियाणपा नहीं उथे कम आउणिया। बहुत सियाणप जमका भाओ ब्याप है, सह सियाणपा लख हो हे ता एक ना चलै नाल, उथे सियाणपा ते चतराइया नाल नहीं चलनिया। ए सियाणपा चतराइया इथे धरिया दियां धरिया रह जानिया हन। निरंकार दे घर दे विच तां चंगे कर्म ने चंगियाइया दे, ओह जे नाल बन्नेगा खर्च बन चंगियाइया, मत मन जाना कल निरंकार कै देश जाए, तां सुख लह
महल जे चंगियाईयां दा खर्च पले बनेगा ता ओ निरंकार दे घर विच कम आउणगियां। नानक नाम समाल तो बद्दा छुट्टे जित। पातशाह कहिंदे हाले भी वेला सजना जे तू परमेश्वर दा नाम संभाल लवे अकाल पुरख दे नाम नू अपने जीवन दा आधार ते आसरा बना लवे ता तू बन्या होया छुट सकदा है नहीं ता औखा है। तू बन्या होया ता छुट सकदा है जे तू निरंकार परमेश्वर दे सच्चे नाम नू अपने हिरदे च संभाले। सत नाम वाहे गुरु 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 सत नाम वाहे गुरु। पातशाह कहंदे ऐसे अमृत नाम नू संभाल ता तू बन्या होया छुट सकदा है। जो पई दुरमत तू कल मल की खान। पातशाह कहंदे हे दुरमतिये सज्जन नू कहंदे संबोधन कर के ओ खोटी मत वालिया तू पापा दी खान बनिया बैठा खान। जिवें हीरियां दी खान हुंदी उहदे च हीरे निकली जांदे आ ना तू पापा दी खान बनिया एक पाप पुट्टो तेरे चो दूजा निकलेगा फिर तीजा निकलेगा तू पापा दी खान बनिया बैठा। बनियो वैष्णो भीख महान बाहरों वैष्णव बनिया ते बाहरों वैष्णव होण दा भेख धारण कीता होया। बार सुधा बीच बिख पूरी बाहरों अमृत वांगू नजर आउणा अंदर जहर भरिया होया तेरे बाहरों अमृत ते अंदरों जहर नाल भरिया होया। कह कह जम देवें दुख पूरी जदों जम्मा दे वस आया ना ते फड़ के तेनू तेरे ना कर्मा दा बड़ा भयानक दुख देणगे तेनू भयानक ताड़ना करनगे तेनू। जब जंजीर तोए गर पावे जदों तेरे गल उहनां ने जंजीरां पाईआं तेरे गल च संगल पाए मोटे ओए शासना कौन छुटावे जदों जम सजा देणगे सज्जन तैनू दसो तैनू कौन छुड़ावेगा उत्थे किहड़े तां चंगे कर्म कीते ने जिहड़े गवाही भरनगे तेरे नाल खलो के कौन छुड़ावेगा तैनू जदों शासना सजा तैनू देणगे। दुष्ट करत तन जो एक थाए आ जिहड़ी दुष्ट ताई दी बिरती करके तू एक जगह ते धन इकट्ठा कर रिहा आज न आवे जब बिल लाए जदों उत्थे हाए दुहाई पावेगा विरलाप करेगा ए तेरे विचों तेरा इकट्ठा कीता धन काम नहीं जे आउणा ए तेरे किसे काम नहीं आउणा। सिंचा दर्ब देहे दुख लोग पातशाह कहंदे लोकां नूं दुख दे के जिहड़ा धन इकट्ठा कर रिहा ए भाई तेरे किसे काम नहीं आउणा। सुत बनता संबंधी जो ए तेरे पुत्र घरवाली संबंधी रिश्तेदार जिन्ने भी हैण कोई न तोए सहाई होए किसे तेरा सहाई नहीं होना। कथा तो पहला रागी सिंह जी प्रमाण दे के कीर्तन दा शब्द सोहना गा के गए कलगीधर स्वामी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे अमृत बचन पातशाह दे बचन ने तो तन त्यागत ही है त्यागत ही है जड़ प्रेत बखान त्रिया भज जय है। तेरे इस तन नू त्याग दिया सार ओ मूर्खा सब तो पहला तेरी घरवाली तेनू प्रेत कह के भज के जावेगी। मुड़ के पुत्र धियां साख संबंधी मित्र सब खलोते तेरे सराहने आखणगे बेग नकारो आयस दह है छेती कढो बई छेती अनेरा पै चलिया किना पिछे तां पाप करदा है किना पिछे तू माड़े भैड़े कर्मां च प्रवृत्त हो रहा इन्हां विचों किसे तेरा सहाई नहीं होना। पावे पीर परे ओ चिर काला नरकां दी घोर अग्नि च पया चिरंकाल तक दुख भोगेगा। फल पापन को बिसाला इन्हां पाप कर्मां दा फल बड़ा भयानक प्राप्त हुंदा है। बड़ा सुंदर कथन है
वो कहंदे जिवें किसे दरख्त नूं फुल ते फल बिना किसे प्रेरणा तो अपने आप ही आ लगदे है। दरख्त नूं कोई प्रेरणा तां नहीं करनी पैंदी वी उहनूं फुल लगण जां फल लगण, बिना किसे प्रेरणा तो अपने आप ही लगदे आ ना फुल ते फल। कहंदे इसे तरह सज्जणा तेरे कीते होए पाप ते पुन कर्मां दा फल तेनू अपने आप सुते सीधी आण मिलदा चलिया जाना है। उहनां नूं प्रेरणा नहीं करनी पैंदी, तेरे अपने कीते कर्मां दा पाप पुन्नां दा फल तेनू प्राप्त हुंदा चलिया जाना है। ये पाप कर्म जो तू कर रहा है इना दा दुख बड़ा भयानक है। दर्शन कर सुन बचन प्याने। जदों सज्जन ठग ने साहब दे दर्शन कीते पातशाह दे बचन सुने ते डर गया भय भीत हो गया। मन सज्जन पै पयो माने। मन च निर्मल भय सतगुरां दा जाग पिया। कोई अधीन पायन लपटायो। सज्जन हुण भाई सज्जन हो गया, हुण ठग नहीं रहा, दीन होके सतगुरां दे चरणां ते लपट गया। हाथ जोड़ कर बचनी अलायो। हाथ जोड़ के भाई सज्जन जी बोले महाराज जी नूं कहण लगे, मल मल कीने मैं अत पारी। हे गरीब नवाज दयानिध स्वामी, मैं बड़े ही काल मल कीते हन, मैं बड़े पाप कर्म कीते ने अपने जीवन विच। अब राखो हो शरण तुम्हारी। हे प्रभु हुण रख लो मैं तुहाडी शरण विच हां, आप जी दी पराह विच हां। महाराज जी कृपा करो राख लेहो हम ते बिगरी, सील धर्म जप भगत ना कीनी, हो अभिमान टेढ़ पगरी। महाराज मैं तुहाडे चरणा दी शरण बेचा, रख लो मैं बड़े बिगाड़ कीते हन। संत बिरद सद ही उपकारी। आप जैसे संतां दा बिरद सदा पर उपकारी हुंदा महाराज जी। रावर मिलत पई सुध सारी। तुहानू मिल के मैनू सारी सुध हो गई है, सारी समझ आ गई है। गुर कै पाप करन तज दे। पातशाह कहंदे आ सज्जन हुण ठग ना रही, हुण सज्जन हो जा, सज्जना वाले कर्म करते पाप छड़ दे। तो करुणा कर तार करे। जदों पाप कर्म छड़ेगा फिर निरंकार तेरे ते करुणा करेगा। सत नाम सिमरो लिव लाई। और लिव ला के जपया कर परमेश्वर दे सच्चे नाम नू। भलो जी को हुए सुख पाई। और तेरा भला होवेगा, तेनू आत्मक सुख दी प्राप्ति होवेगी। दोहरा कब न अगारी हो करो पिछले बख्शो पाप। सज्जन ने बेनती की, पातशाह हुण अगे तो कदे कोई गुनाह ना करांगा, जो पिछले हो गए ने वो मेरे तो कृपा करके आप जी बख्श लवो। उपदेशो सिख की जिए देओ नाम को जाप। महाराज उपदेश देओ मैनू, कृपा करके अपना सिख बनाओ ते मैं तुहाडा नाम जपा। जो पई मोर कर्म कर इत तुम आए। मेरे ते बख्शिश करन लई आप जी आए हो। कह इओ रेओ चरण लपटाए। एदा कह के भाई सज्जन जी महाराज जी दे चरणा नाल लपट गए। कृपा तार गुर बचनी उचारा। कृपा दे घर विच आ के सतगुरु जी बोले, इओ मेरा सी गुरु तुम्हारा। महाराज जी कहंदे आ सज्जन, आ जिन्नू तू मराशी कहिंदा सी साडा सेवक भाई सजादा, एदे चरणा नूं प्रणाम कर, अज एदे करके तेरा पार उतारा होण लगा। इसके माने भला जनी जै। इनू मनन करी, एदी सेवा करी, तेरा भला होवेगा। करने पाप सरब तज दी जै। और अज तो बाद पाप करने तज दे। सहजादे को बंधन करी। भाई सज्जन ने भाई सजादे नूं मत्था टेक के आख्या, महाराज खिमा कर दियो, माफ कर दियो, मैं वड्डी भूल कीती, तुहानू ताड़ना कीती है। सज्जन पा निहाल ते करी। उसे घड़ी च भाई सज्जन जी निहाल हो गए, गुरु साहब दी कृपा दे पात्र बन के मुल्तान दे इलाके विच बहुत वड्डे प्रचारक हो के भाई सज्जन ने गुरु नानक साहब दी सिक्खी दा प्रचार कीता सारी जिंदगी। गुर कै
सदन पाप तन जो। महाराज जी कहंदे सज्जन जेड़ा पैसा इकट्ठा कीता ना घर च तू पाप करके अब लुटाए दीजे सब सो वो सारा लुटा दे वंड दे गरीबां विच मान्यो बचन निकट जो दरबार जो जिन्ना धन सी सज्जन कोले ने सतगुरां दा बचन मन के रंक बुलाए लुटायो सरबा बुला के नगर दे लोकां नू सब वंड दिता लुटा दिता बख्शियो इस प्रकार तिस ताई क्यों सतगुरु सच्चे पातशाह ने भाई सज्जन नू बख्शिया आगे कीनो गमन गुसाई और जगत पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जी तुलंबे नगर तो अगे खुरमेपुर नू यानी कि कुरम दरिया दे कंडे ते कुरम नगर नू चले ने जिथे भाई मरदाना जी दे स्थान ते भाई सजादे दी सतगुरां दस्तार बंदी करनी है ओ कथा आप दी अगलिया प्रसंगा विच सरवण करोगे। गरीब नवाज साहब जी दी पावन पवित्र अमृतमय कथा कथन करदे आं होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा वाहिगुरु वाहे गुरु 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 वाहे गुरु।